जिला संयोजक बुलत सिंह की अध्यक्षता में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक व पूर्व मंत्री सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा की एक बैठक केंद्रीय महासचिव संजीव आचार्य एवं रामनारायण शर्मा के नेतृत्व में आहूत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में होने वाले आगामी पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करना था। हालांकि पूरी कमेटी का नया विस्तार करने की जिम्मेवारी बुलेट नारायण सिंह को दी गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संजीव आचार्य ने बताया कि बुलेट नारायण सिंह नई कमेटी के विस्तार होने तक संयोजक के पद पर असीन रहेंगे एवं जिले की नई कमेटी बनाने की पूरी जिम्मेवारी भी उनके कंधों पर ही सौंपी गई है। बैठक रखा गया है हमारे पूर्व संयोजक बुलेट नारायण सिंह के नेतृत्व में। हम लोग चाह रहे हैं कि आज के बैठक के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग आगामी जो चुनाव यहाँ पे है, पंचायत चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनतंत्र मोर्चा पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ेगी। और हम लोग जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता और केंद्रीय उपाध्यक्ष रामनारायण जी ने कहा कि कार्यवाहक हमारे पूर्व जो संयोजक थे बुलेट नारायण जी को, उनको जवाबदेही दिया गया है कि ये 15 से 20 दिन के अंदर अब थाना कमेटी का बैठक कर पांच पांच लोगों का लिस्ट और एक महीने के अंदर हम लोग यहाँ का नया अध्यक्ष, युवा के अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष, तमाम जितने भी प्रकोष्ठ हैं सबका हम लोग घोषणा कर देंगे। तब तक बुलेट नारायण जी क्योंकि कार्यवाहक संयोजक हैं, कार्यवाहक संयोजक के रूप में काम करेंगे। जब तक नया अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो रही है, इनके साथ पांच लोगों का एक संचालन समिति भी आज हम लोग घोषणा कर देंगे जो इनको सहयोग करेंगे, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, पुराने लोग हैं, ताकि इनके हर मीटिंग में ये लोग सहयोग करेंगे। और आगामी दिन हम लोग भय, भूख, भ्रष्टाचार, जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, सारे जो मुद्दे हैं, सरायकेला खरसवा के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों का जमीन लिया गया है लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, पॉल्यूशन इतना भरा हुआ है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपने पद और पदवी के माध्यम से जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है, लोगों का जो दुख दर्द है, यहाँ पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है ढंग से, यहाँ पॉल्यूशन है, यहाँ पे बेरोजगारी है, जो कि पूरा एशिया आइडा इतना बड़ा क्षेत्र इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ पे लाखों लाखों लोग यहाँ पे रोजगार करते हैं, लेकिन कोरोना मान के चलिए या कुछ और आधार मान के चलिए, यहाँ मूलभूत सुविधा एकदम नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, जो भी मूल सुविधा नहीं है, इसको लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा माननीय विधायक सरयू राय जी के नेतृत्व में दिशा निर्देश में हम लोग काम करेंगे और जनता का दुख दर्द समस्या को हम लोग दूर करेंगे। यही बात के साथ आज यहाँ पे हम लोग जोश भरने का काम किए हैं। अगला जो दिशा निर्देश होगा तब तक के लिए हम लोग बुलेट नारायण जी को कार्यवाहक के रूप में यहाँ का हम लोग दायित्व सौंपते हैं। आज पूरे कार्यक्रम में सुदर्शन प्रसाद जी, राजू यादव जी, अमित कुमार सिन्हा जी, रंजीत किशोर द्विवेदी जी, छोटू सिंह जी, बिट्टू उपाध्याय जी, सत्येंद्र कुमार झा जी, राजेश गोप जी, अजय मांझी जी, रोशन कुमार गुप्ता जी, आकाश कुमार गुप्ता, सौरभ कुमार, उत्तम पाल जी, हीरा यादव, कृष्णा राम, कृष्णा मंडल, मोनू कुमार, रवि कुमार कोहली, अमित महतो, सौरभ कुमार, कुंदन कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। सरायकेला से चंद्रमणि की रिपोर्ट।